और इसी के साथ ये मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है जो कि सेमीफाइनल का मैच है। एक तरफ है तेजस्विनी की टीम और दूसरी तरफ है वंदे मातरम की टीम। सेमीफाइनल का मैच, विजेता टीम जो है वो फाइनल में अपना नाम दर्ज करेगी। बहुत ही रोमांचक होने वाला यह मैच। पहली रेड मुआयना लेते हुए फिर एक बार अपने घर वापसी। इस बार रेडिंग के लिए वंदे मातरम टीम की ये प्लेयर राइट साइड से रेड करते हुए। से माजी कार्यकारी सदस्य आणि ज्येष्ठ कबड्डी संघ दीपक कांदळकर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। मी आयोजकांच्या वतीने त्यांचे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। यहाँ पर ये मुआवना करते हुए वंदे मातरम के रेडर फिर एक बार अपने टीम में फिर एक बार शामिल हुई। अभी तो कोई भी गुण यहाँ पर किसी भी टीम ने अभी तक यहाँ पर अपने नाम पर दर्ज नहीं किया। इस मैच का पहला पॉइंट कौन सी टीम लेगी, इस बार ये अपील जरूर की है तेजस्विनी के रेडर ने। टच पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, देखते हैं हमारे अंपायर्स, हमारे रेफरी यहाँ पर क्या डिसीजन देते हैं। 30 सेकेंड्स की ये रेड होती है और ये 30 सेकेंड्स की रेड यहाँ पर खत्म होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर वंदे मातरम का ये पहला पॉइंट टच पॉइंट के तौर पर यहाँ पर अपना दर्ज करवाया है। एक बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पर हम सभी दर्शक देख सकते हैं। सुरू असलेला सामना महिला गटाचा उपांत्य फेरीचा सामना आहे। वंदे मातरम क्रीडामंडळ मालाड विरुद्ध तेजस्विनी स्पोर्ट्स क्लब विले पार्ले। पिलेपार्ले से आई हुई तेजस्विनी और मलाड से आई हुई वंदे मातरम, ये दोनों टीम यहाँ पर मैदान में अभी खेल रही है सेमीफाइनल का मैच। विजेता टीम जरूर फाइनल का हिस्सा बनेगी। ये एक रेड एमटी और ये इस मैच की थर्ड रेड तेजस्विनी टीम के लिए। जर्सी क्रमांक 25 पहनकर ये रेडर राइट साइड से रेड कर दिया, डीप जा रही थी और ये एक बहुत ही बेहतरीन टैकल यहाँ पर होते हुए ये और एक पॉइंट अपने टीम के लिए बढ़ाते हुए वंदे मातरम की टीम। अभी 5 खिलाड़ी मैदान में, बोनस की कोई आशंका नहीं होगी यहाँ पर। बहुत ही रोमांचक मैच। अभी तक तेजस्विनी की टीम को अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड रांगोळी मध्ये करणारे आमचे परम मित्र राइट साइड से रेड फिर एक बार ये पॉइंट मिलाने की कोशिश में, लेकिन ये और एक असफल प्रयत्न। थर्ड रेड यहाँ पर, थर्ड रेड पहली बार वंदे मातरम की टीम के लिए। 5 प्लेयर्स है तो बोनस जरूर नहीं मिलेगा, थोड़ी सी एग्रेसिव और थोड़ा सा डीप खेलना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से रेड करते हुए 12 नंबर की जर्सी पहनी हुई ये खिलाड़ी। महिलाओं का ये मैच मुंबई उपनगर कबड्डी एसोसिएशन की मान्यता से शुरू है। सभी बेहतरीन अंपायर्स यहाँ पर है और ये थर्ड रेड थी और ये असफल रेड होते हुए पहला पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ तेजस्विनी की टीम को। और ये टेक्निकल टाइम ऑफ यहाँ पर लिया हुआ, टाइम ऑफ लिया हुआ अपनी व्यूह रचनाओं को बदलने के लिए। लेफ्ट साइड पहला टाइम ऑफ इस मैच का और ये टाइम ऑफ में जरूर कुछ व्यूह रचनाएं बदलती हुई कि सामने वाली टीम का पूरा मुआवना हो चुका है। अब भी आगे की व्यूह रचना क्या होगी, कैसे खेलना है, डीप खेलना है या फिर जो भी करना है वो सभी सूचनाएं यहाँ पर देते हुए प्रशिक्षक। एक अच्छा प्रयास 33 नंबर की जर्सी पहने हुए तेजस्विनी की खिलाड़ी और यहाँ पर बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था ये पॉइंट लेने के लिए। थर्टी सेकेंड्स की रेड पूरी करते हुए फिर एक बार अपने टीम में शामिल हो गई।
यह बाजार दर्शा रहा है कि तेजस्विनी की टीम की यह थर्ड रेड हो सकती है और यह रेड बहुत ही जरूरी, एक पॉइंट अपने टीम का हो चुका है और दो पॉइंट वंदे मातरम टीम के अभी तक हो चुका है, जुटा चुके हैं और यह एक बेहतरीन प्रयास था सीमा रेखा तक पहुंचने का, लेकिन असफल रहा और वंदे मातरम की टीम ने एक बेहतरीन टैकल करके अपने टीम के लिए ये तीसरा पॉइंट प्राप्त कर लिया है। बहुत ही शांति से शुरू है फर्स्ट हाफ में 15 मिनट, सेकंड हाफ में 15 मिनट्स का ये खेल, 15 15 मिनट का ये खेल, जहां पर अपने खेल के लिए, अपनी जीत के लिए, इस टूर्नामेंट की फाइनल में पहुंचने के लिए सभी खिलाड़ी यहां पर प्रयास कर रहे हैं। थर्ड रेड वंदे मातरम टीम से थर्ड रेड, ये बजर जो है हमें दर्शाता है हमेशा कि ये धोखे की घंटी हो सकती है टीम के लिए। बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरी थी, लेकिन ये बेहतरीन एंगल कैच और ये एक पॉइंट मिलता हुआ, टू पॉइंट्स हो चुके हैं अभी तेजस्विनी के लिए और मात्र एक पॉइंट जो है वो लीड है वंदे मातरम टीम के लिए। इस मैच में अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई भी खिलाड़ी ने, कोई भी रेडर ने अभी तक बोनस पॉइंट यहाँ पर ना ही मिलाया और ना ही उसके लिए प्रयास भी किया है। दोनों टीम एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा संगठन, बहुत ही अच्छी इनकी क्षेत्र रक्षण जो है मैदान में यहाँ पर उनका दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट, टच पॉइंट और ये एक पॉइंट के साथ में चार पॉइंट, दो थर्ड रेड इस बार तेजस्विनी की खिलाड़ी। अपने टीम के लिए पॉइंट्स जुटाने के, पॉइंट्स लेने के लिए और ये थोड़ा सा मैदान को टच हो गया, लेकिन पॉइंट्स बोनस जरूर मिला है अपने टीम के लिए, एक पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन अपने खुद का बैलेंस नहीं जमा पाई और मैदान के बाहर उन्हें जाना पड़ा। इस बार मैदान में वंदे मातरम की ये खिलाड़ी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करके फिर एक बार सेफ अपने टीम के साथ जुड़ने वाली है। पॉइंट टेबल बता रहा है कि पांच पॉइंट हो चुके हैं, पांच पॉइंट हो चुके हैं वंदे मातरम इस टीम के और तीन पॉइंट हो चुके हैं तेजस्विनी इस टीम के। एक बेहतरीन खेल, लगभग एक जैसा ही मैच यहां पर हम देख सकते हैं। अमदार चषक मुंबई उपनगर कबड्डी जिला एसोसिएशन की मान्यता से आदरणीय आमदार दिलीप मामा लांडे आमदार चषक यह आयोजित किया है। हमारे प्यारे भाई बालकृष्ण गटे साहब, इनके जन्मदिन पर हमारे सभी दर्शकों को यह खेल जो है, खेल का महासंग्राम हम देख सकते हैं 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। और इस बार इस महासंग्राम के इस सेमीफाइनल के मैच में एक बेहतरीन पॉइंट वंदे मातरम का खिलाड़ी और पॉइंट लेना चाहते थे, लेकिन एक पॉइंट से उन्हें सहमति कर अपने मैदान में फिर एक बार लौट चुके हैं। स्कोर हो चुका है 6 पॉइंट्स इस एक पॉइंट के साथ में और 3 पॉइंट की बढ़त। फर्स्ट हाफ का खेल शुरू है, 6 पॉइंट जरूर यहां पर बोनस अभी तक जो है, फर्स्ट हाफ में अभी तक जो खेल हुआ है वहां पर बोनस कोई भी टीम ने लिया, यहां पर एक अच्छा प्रयास था और इस एक प्रयास के साथ एंकल कैच करना चाहती थी लेकिन फेल होगी और यह पॉइंट मिला है। फिर एक बार टाइम ऑफ लिया है और टाइम ऑफ के साथ में भी रचनाएं कुछ बदलेंगे जरूर, कोच जो है वो जरूर हमारी टीम को कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ भी रचनाएं बदलेंगी, खेल में शांति बनाए रखे, खेल में एग्रेसिवनेस बढ़ाए, जो भी है ये सूचनाएं अपने खिलाड़ियों को देते हुए सामने वाले की
गलतियों का मुआवजा करते हुए अपने अपने सभी प्लेयर्स को यहाँ पर जानकारी देते हुए अगला खेल फिर एक बार रेफरी शुरू करने जा रहे हैं। स्कोर हो चुका है 6 पॉइंट्स वंदे मातरम और 4 पॉइंट्स तेजस्विनी। एक ही पॉइंट जो कि अभिनव क्रीडामंडळ संघनायक प्रतिनिधी माईक जवळ यायचे। अभिनव क्रीडामंडळ अभिनव क्रीडामंडळ विक्रोळी संघनायक प्रतिनिधी माईक जवळ यायचे। अंपायर सेशन की तरफ से यह कॉल हुए हैं अगले मैचेस के लिए जो कि फर्स्ट क्लास पुरुषों का भी मैच होने जा रहा है यहाँ पर। मेल टूर्नामेंट अभी इसके बाद में तुरंत शुरू होगी और एक बेहतरीन टैकल के साथ में पॉइंट मिलता हुआ अपनी टीम को और स्कोर हो चुका है 7 इस पॉइंट के साथ में। सुपर कैच करने का अवसर जरूर हो सकता है इस बार तेजस्विनी की टीम को। 3 खिलाड़ी हैं मैदान में लेकिन एक बेहतरीन राइडर अपने हाइट का पूरा पूरा फायदा लेते हुए, लेकिन इस बार कोई भी मुश्किल ना लेते हुए फिर एक बार अपनी टीम में शामिल होने जा रही है। फर्स्ट हाफ का खेल सिर्फ एक बोनस पॉइंट अभी तक हमने देखा है जो कि तेजस्विनी के खिलाड़ी ने लिया था। बहुत ही बेहतरीन टच पॉइंट, कॉर्नर को टच करके एक अपने टीम के लिए एक पॉइंट ले लिया है और इसी के साथ स्कोर हो चुका है 5। इस पॉइंट के साथ में स्कोर हो चुका है 5 और 7, मात्र 2 पॉइंट्स की बढ़त जो है, 2 पॉइंट्स की बढ़त अभी तक वंदे मातरम टीम अपने पास जमाए रखे हुए। थर्ड रेड का ये कॉल रेफरीज का, 4 खिलाड़ी है मैदान में तो जरूर यहाँ पर थर्ड रेड का फायदा जो है मिल सकता है तेजस्विनी की टीम को और ये बड़ा मैदान हो जाता है और एक सक्सेसफुल छे। अभी मात्र 1 पॉइंट की लीड है और ये एक बेहतरीन टैकल करना चाहती थी लेकिन ये सीमा रेशा के नजदीक और ये इस पॉइंट के साथ में मैच में स्कोर बोर्ड जो है वो बता रहा है कि इक्वल स्कोर हो चुका है 7 पॉइंट पर तेजस्विनी, 7 पॉइंट पर है वंदे मातरम। एक सेमीफाइनल का एक बेहतरीन मैच यहाँ पर हो रहा है। अच्छे रेड, एक अच्छा ट्राई लेकिन टीम में अभी कम प्लेयर्स है तो यहाँ पर जोखिम उठानी थोड़ी सी मुश्किल होगी अपने टीम के लिए। लौटते हुए स्कोर कार्ड है 7-7। कोई जल्दबाजी नहीं, शांति भरा खेल। मैच की रंगत आखिरी कुछ क्षणों में जरूर ये रोमांच हम सभी दर्शकों के लिए लेके आ सकता है वंदे मातरम और तेजस्विनी की टीम। सेमीफाइनल का ये मैच, विजेता टीम फाइनल में अपना नाम जो है वो दर्ज करेगी। और एक बेहतरीन टच पॉइंट, सभी दर्शकों से भी सराहते हुए तालियों के जरिए एक अच्छा पॉइंट और इस पॉइंट के साथ स्कोर हो चुका है 8 पॉइंट्स और ये रेफरी बता रहे हैं कि ये चेंज द कोर्ट, हाफ टाइम हो चुका है इस मैच का और इस हाफ टाइम का स्कोर है 8 पॉइंट्स पर है वंदे मातरम और 7 पॉइंट पर है तेजस्विनी की टीम।
सेकेंड हाफ का मैच यहां पर शुरू होता हुआ, पॉइंट्स है 8 और 8 त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे लाडके सुपुत्र कबड्डी महोत्सव या ठिकाणी सुरू आहे। रमेश प्रभू प्रमाणे शिवसेनेचे शाखा सेकंड हाफ का खेल यहां पर शुरू होते ही तेजस्वी की टीम ने अपना तेजस्वीपन यहां पर दिखाते हुए ऑल आउट कर दिया है वंदे मातरम की टीम को। और अभी पॉइंट्स टेबल जो है 7-7 थे मध्यांतर के वक्त, और अभी जो पॉइंट टेबल है वो हो चुका है 14-14 और 8, 8 गुण मात्र है अभी भी वंदे मातरम इस टीम के। एक ऑल आउट पूरी मैच का यहाँ पर रंग बदलते हुए हम देख सकते हैं, कुछ एग्रेसिव खेल जरूर अभी अगले कुछ क्षणों में वंदे मातरम की टीम से हम देख पाएंगे। कोच ने अभी ब्रीफ किया होगा हमारी टीम को कि जीत जो है वो किसी भी हालत में हमारे ही पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है और ये जीत जो है वो हमें फाइनल मैच की तरफ लेकर आगे बढ़ने वाली है। सेकेंड हाफ का ये पहला थर्ड रेड तेजस्वी की टीम का, भला की भली भाके 6 गुणों के 6 पॉइंट्स की बढ़त यहां पर अपने टीम के साथ बनाए रखे हैं। और ये थर्ड रेड सक्सेसफुल होते हुए 1-2 और यहां पर जरूर 3 पॉइंट्स मिलने हैं, 2 पॉइंट्स।
एक छोटे से टाइम ऑफ के बाद फिर एक बार मैच शुरू होने जा रहा है अमदार चषक कबड्डी का महासंग्राम, और इस महासंग्राम में आप सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त समालोचक दिनेश कोयंडे, आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कबड्डी का महासंग्राम, जो कि अमदार चषक बालकृष्ण जी गटे साहब इनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर आयोजित किया हुआ, और मैच शुरू है यहाँ पर सेमी फाइनल का। वंदे मातरम और तेजस्विनी की टीम यहाँ पर स्कोर कार्ड हो चुका है। वंदे मातरम इस टीम का 8 पॉइंट्स, वंदे मातरम इस टीम का स्कोर हो चुका है 8 पॉइंट्स, और तेजस्विनी का पॉइंट टेबल जो है वो बता रहा है कि 16 पॉइंट्स। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हमें देखने मिला है तेजस्विनी इस टीम का, और उसी के बलबूते पर 17 पॉइंट्स बन चुके हैं। और ये दूसरे ऑल आउट की तरफ, अगर ये ऑल आउट हो जाता है तो फिर वंदे मातरम की टीम को कमबैक करना इस मैच में नामुमकिन सा हो जाएगा। इस ब्रेक के बाद एक प्लेयर भी चेंज किया है, और उसी प्लेयर पर भी जिम्मेदारी होगी कि हमें कैसे ये पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं इस मैच में विजय प्राप्त करने के लिए। राइट साइड से रेड करते हुए बोनस के लिए जरूर प्रयास किया था इस मैच में, मात्र एक बोनस यहाँ पर वंदे मातरम तेजस्विनी की टीम ने किया था, एक ही बोनस इस पूरे मैच में हमने पॉइंट जो है वो मिला है तेजस्विनी की टीम के क्रेडर को। मुंबई उपनगर की दोनों बेहतरीन टीमें यहाँ पर सेमीफाइनल के मैच के लिए यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं, और विजेता टीम जो है वो फाइनल के लिए अपना नाम दर्ज करेगी, और इस कबड्डी के महासंग्राम का विजेता पद प्राप्त करने के और नजदीक पहुंच जाएगी। शुरू है कबड्डी का महासंग्राम। अमदार चषक आदरणीय दिलीप मामा लांडे इनके नाम पर खेला गया ये मुंबई उपनगर, मुंबई का एक बेहतरीन खेल महोत्सव यहाँ पर हम सभी दर्शक अनुभव ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी प्रयास यहाँ पर पॉइंट के लिए, और जरूर एक पॉइंट मिलेगा, एक बेहतरीन पॉइंट मिलेगा, और इस एक पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल तो जरूर बढ़ाएगा, लेकिन उसी के साथ आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी होगी, और यही आत्मविश्वास इस रेडर को आउट करते हुए मिला है। अभी मात्र गुण हो चुके हैं 10 और 17, मात्र 7 गुणों की आघाड़ी, 7 पॉइंट जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए तेजस्विनी की टीम। और ये फिर एक बार अपनी टीम में शामिल होते हुए आत्मविश्वास से भरी हुई वंदे मातरम की टीम, 6 खिलाड़ी है मैदान में। बोनस यहाँ पर मिल सकता है रेडर को, जर्सी नंबर 25 पहने हुई है रेडर, शांति से अपने पास की जो 7 पॉइंट्स की लीड बनाए हुए हैं उसी को कायम रखते हुए कोई भी यहाँ पर जोखिम ना उठाते हुए फिर एक बार अपने मैदान में दाखिल होगी। 30 सेकेंड्स की रेड होती है, और ये रेड पूरी करते हुए मैदान में दाखिल हो चुके। इस बार जरूरी है, सेकेंड हाफ का खेल है, कुछ ही मिनटों का ये खेल बाकी है, और यही खेल जताएगा कि हम फाइनल में दर्ज हो रहे हैं या नहीं। वंदे मातरम की टीम यहाँ पर फिर एक बार एक और बेहतरीन प्रयास था सीमा रेखा तक पहुँचने का, लेकिन असफल रहे और रेडर आउट हो चुके हैं। रेडर 3 नंबर की जर्सी पहने हुए, अच्छी रेड थी लेकिन प्रयास जो है वो नाकामयाब रहा और आउट हो चुके हैं। 8 पॉइंट्स की लीड बनाए हुए, कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता तेजस्विनी की टीम, एक ऑल आउट कर चुके हैं, और उसी के बलबूते पर ये 8 पॉइंट्स की बढ़त जो है यहाँ पर उन्हें मिली है। बहुत ही खूबसूरत ये खेल महोत्सव कबड्डी का महासंग्राम, जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स टीवी पर हम देखते हैं प्रो कबड्डी की मैचेस, और उसी के जैसा यहाँ पर बनाया हुआ ये स्टेडियम, सभी भरे हुए दर्शक, और उसी के प्रकार ये प्रकाश योजना। यहाँ पर 3rd रेड का कॉल रेफरीज की तरफ से, एक सामना अगोदरच चालू करा याची कृपया दक्षता घ्या आणि आपण तयारीत राहायचं आहे।
यानंतरचा सामना आहे प्रथम श्रेणी पुरुष गट अंबिका सेवा मंडळ कुर्ला विरुद्ध वीर परशुराम क्रीडा मंडळ घाटकोपर. दुसरा सामना असणार आहे हा महिला गटाचा सामना संपल्यानंतर प्रथम श्रेणीचा सामना होईल अंबिका सेवा मंडळ कुर्ला विरुद्ध वीर परशुराम क्रीडा मंडळ. तिसरा पुकार देतात सामना संपल्यानंतर ताबडतोब मैदानात सर्व संघांनी यायचंय ज्या सामन्यांचे संघांचे सामने आहेत कृपया वेळ घालू नका. सेकेंड हाफ का ये मैच हो रहा है. आखिरी पांच मिनट रेफरीज ने यहां पर जाहिर कर चुके हैं और इस पांच मिनट में पॉइंट्स टेबल बता रहा है 11 पॉइंट्स है वंदे मातरम और 20 पॉइंट्स पर है तेजस्विनी की टीम. 9 पॉइंट्स जो है अभी भी ये पीछे है और ये 9 पॉइंट की बढ़त लेते हुए बहुत ही शांति से खेल रही है तेजस्विनी की टीम. अभिनव क्रीडामंडल विक्रोळी संघ प्रतिनिधि माइक जो है. आखिरी चार मिनट का यह खेल एक ऑल आउट यहाँ पर मैच का रंग बदल सकता है कण बदल सकता है और हमारी फाइनल में जो टीम यहां पर दर्ज होगी उसका नाम भी बदल सकता है अगर वंदे मातरम की टीम अगले चार मिनट में कुछ और अच्छा खेल कर सके. लेकिन दूसरी तरफ तेजस्विनी की टीम बहुत ही शांति से ये खेल खेल रही है कि चार मिनट मतलब टेक्निकली देखने जाए तो 8 रेड और 8 रेड में अगर 4 ही पॉइंट दे पाए और 4 पॉइंट बचा पाए तो ज़रूर ये जो जीत है अपने पास खींच सकते हैं. यही टेक्निकल यहाँ पर इनकी सोच और उसी सोच से यह खेल कर रहे हैं. बहुत ही अच्छा खेल ये होगी थर्ड रेड और इसीलिए ये सेफ होकर रिटर्न हो चुके हैं. चार खिलाड़ी है तो जरूर यहाँ पर टैकल करने का अवसर होगा. चार खिलाड़ियों में मैदान हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है रेडर के लिए और 30 सेकेंड्स में पॉइंट लेकर जाना ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है बहुत ही बड़ा काम हो सकता है रेडर के लिए. 33 नंबर की जर्सी शुरुआत से एक अच्छा खेल इस खिलाड़ी ने इस महिला खिलाड़ी ने किया हुआ है. देखते हैं इस बार क्या होता है और इस बार यह सक्सेसफुल होते हुए सीमा रेशा तक पहुंचते पहुंचे 2 पॉइंट्स अपने टीम के लिए लेकर एक बेहतरीन रेड इस बेहतरीन रेड के साथ बेहतरीन रेड के साथ यहाँ पर जरूर 2 पॉइंट्स का मुआवजा हुआ है. 22 और 11 पॉइंट्स की लीड अमदार चषक कबड्डी का महासंग्राम यहाँ पर शुरू है. 22 मई से लेकर 25 मई तक आप सभी दर्शक यहाँ पर कबड्डी का यह महासंग्राम देख रहे हैं. ये सेमीफाइनल का ये मैच यहाँ पर शुरू है. सेमीफाइनल के ये मैच और विजेता टीम फाइनल में दर्ज होगी जो कि कल शाम को ठीक 7 बजे से शुरू होगा महासंग्राम फाइनल का. और इस महासंग्राम के लिए मैं रहूंगा आपके साथ इस सभी मैचेस का लाइव अपडेट देने के लिए. आखिरी चंद मिनट इस मैच के 11 पॉइंट्स की लीड तेजस्विनी के पास. ये थर्ड रेड का कॉल रेफरीज का और बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पर वंदे मातरम टीम के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है. सभी मुख्य खिलाड़ी मैदान के बाहर आखिरी कुछ मिनट बाकी 11 पॉइंट्स की भारी भरकम लीड लिए हुए तेजस्विनी की टीम और ये थर्ड रेड और एक आसान सा एंगल कैच और ये रेड आउट एक और ऑल आउट होते हुए थोड़ा सा और एग्रेसिव खेल और एक भारी भरकम लीड के साथ में एक ऑल आउट और इस एक ऑल आउट के साथ में पॉइंट्स टेबल बता रहा है 26 पॉइंट्स पर हो चुके हैं तेजस्विनी की टीम. अभी तो लगभग विजय प्राप्त करना ये नामुमकिन सा. आखिरी कुछ मिनट आखिरी चंद मिनट बाकी है इस मैच के 26-11 कोच की तरफ से कॉल आया था प्लेयर को और जरूर रेफरी ने उन्हें याद दिलाया कि
कोई भी शुरू रेड में यहाँ पर प्लेयर्स को कॉल नहीं देना है, कॉल नहीं देना है, टेक्निकल इशू, टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं। आखिरी कुछ चंद क्षणों का ये बचा हुआ मैच, छह खिलाड़ी है, बोनस प्राप्त करना जरूरी है और ये आखिरी मिनट 60 सेकंड का बाकी खेल, बोनस का प्रयास और ये बोनस देते हुए अपने टीम के लिए 13 पॉइंट्स, फिर भी 13 पॉइंट्स पीछे है और आखिरी आखिरी मिनट में मतलब आखिरी 60 सेकंड में 13 पॉइंट्स जीत लाना ये सुपरमैन के लिए भी मुमकिन नहीं होने वाला है। तो ज़रूर इस मैच का रिजल्ट जो है हम सभी दर्शकों के सामने है, तेजस्विनी की टीम जो है वो यहाँ पर इस मैच में जीत कर आखिरी फाइनल में अपना नाम दर्ज कर चुकेगी, जो कि कल होगा मैच स्वराज की टीम के साथ। आप सभी दर्शक इस मैच का बहुत ही आनंद उठाएंगे हमारे साथ, यूट्यूब के साथ अमदार चषक कबड्डी का इस महासंग्राम में। यह हो सकती है इस मैच के आखिरी रेड और इस आखिरी रेड के साथ ये मैच खत्म होगा सेमीफाइनल का और फाइनल के लिए आखिरी रास्ता खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे तेजस्विनी की टीम के लिए। चलिए देखते हैं ये आखिरी रेड में अपने टीम के लिए कुछ कर पाती है या नहीं, और ये रेफरी की आखिरी